2004-05 में 50.40% गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग थे। जब हम लोग को काम करने का मौका मिला एनडीए की सरकार को, तो 2011-12 में 33.74 हो गया। सर्वाधिक गरीबी उन्मूलन पिछड़े राज्यों में योजना आयोग की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में सबसे ज्यादा हुआ है। ये बिहार सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। आखिर बिहार इतना पिछड़ा क्यों है? नीति आयोग की रिपोर्ट में हर बार बिहार को पिछड़ा क्यों बताया जाता है, बिहार को फिसड्डी क्यों बताया जाता है? विपक्ष के सवाल हर बार सत्ता पक्ष से होते ही हैं, जुबानी तीर खूब चलते हैं विपक्ष के, क्योंकि फिलहाल आपको पता है बिहार विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। विधानमंडल के दोनों ही सदनों में फिलहाल तमाम जो सदस्य हैं वो पहुंच रहे हैं। ऐसे में आज नीरज कुमार जो कि MLC हैं JDU के, उन्होंने तमाम विपक्ष के सवालों का जवाब दिया है कि आखिर क्यों बिहार पिछड़ा है। जहां तक बात विशेष राज्य के दर्जे की है, तो उस मांग पर तो खैर हम अड़े ही हुए ही हैं। क्या कुछ कहे थे नीरज कुमार बिहार विधान परिषद के अंदर, जरा सुनिए। चाहिए रिपोर्ट में वह न्याय नहीं मिला, यह प्रथम दृष्टया में स्वीकार किया गया। मैं कल एक मिनट में अपनी बात रखना चाहता हूं। माननीय रामबली जी, आपने कल अपने मंतव्य में महामहिम के अभिभाषण के संदर्भ की चर्चा की थी। चूंकि पहले की चर्चा पर आपका ध्यान नहीं गया, इसीलिए कल आपने यह कहा कि नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार सबसे गरीब है। यही तो महत्वपूर्ण विषय है। नीति आयोग पॉवर्टी इंडेक्स और नए दौर में मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स बना रहा है, बहुआयामी, यही समझने की जरूरत है। तो जो योजना आयोग की रिपोर्ट, जब हम लोगों ने इस बिहार की यात्रा प्रारंभ की थी, तो 2004-05 में 50.40% गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग थे। जब हम लोग को काम करने का मौका मिला एनडीए की सरकार को, तो 2011-12 में 33.74 हो गया। कितनी की घटोत्तरी हुई, देश के दूसरे राज्यों के भी आंकड़े निकाल करके देख लीजिए। लेकिन मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स जो बनाया गया, बहुआयामी जो सूचकांक बनाया गया, उसमें बहुत सारे बिंदुओं की चर्चा की गई है। उसमें अब मात्र भले बिजली की उपलब्धता पर 5% दिया गया, 5 पॉइंट मात्र। तो यह चिंता का विषय है ना कि नीति आयोग ने जो मानक तय किए और देश के 20 राज्यों से वह उसने संवाद किया और UNDP का जो मानक है उसी को मान लिया गया। तो ये बहस अभी देश के अंदर सार्थक रूप से चल रहा है इस सवाल पर। माननीय सर, एक सेकंड। हाँ जी, नहीं शॉर्ट कर दिया। नहीं, हम केवल यह, हम उनके जानकारी में केवल दे रहे थे कि आपने उसको आधार बना लिया। योजना आयोग की रिपोर्ट देख लीजिए और उस योजना आयोग की रिपोर्ट में आप देखिएगा कि बिहार में 20.66% की कमी आई, वहीं मध्य प्रदेश में 16.95, राजस्थान में 19.69, झारखंड में 8.34, छत्तीसगढ़ में 9.47। सर्वाधिक गरीबी उन्मूलन पिछड़े राज्यों में योजना आयोग की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में सबसे ज्यादा हुआ है। यह बिहार सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है सभापति महोदय। इसलिए हम माननीय मंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने विस्तार से उन बिंदुओं की चर्चा की और दोनों सदन के द्वारा जो पारित भावना है कि बिहार को विशेष दर्जा मिले, इसको बल मिलेगा, इन्होंने यह भी प्रतिवेदित किया है। हम इसके लिए आपके माध्यम से सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। तो आपने तमाम बातों को सुना है, नीरज कुमार ने क्या कुछ कहा है, विपक्ष के सवालों का क्या जवाब दिया। हालांकि बीरेंद्र यादव जो कि बिहार सरकार के ऊर्जा मंत्री है, उन्होंने विस्तार से भी बिहार विधान परिषद में तमाम बातों को रखा था। बहरहाल हमने सुनवाया है कि आखिर अंतर कहाँ पर है, फर्क कहाँ पर है, जो नीरज कुमार ने बताया है विपक्षी नेताओं को आपने समझा है। लेकिन फिर भी बिहार पिछड़ा तो है, इस बात को मानना पड़ेगा और विशेष राज्य का दर्जा चाहिए। सत्ता पक्ष भी ये मांग करता रहा है केंद्र सरकार से, ये भी बात सही है। देखते हैं कब तक बिहार का पिछड़ापन दूर होता है और विशेष राज्य का दर्जा कब तक केंद्र सरकार बिहार को देती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।